हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपको फिर से हाजिर है एक बार मज़ेदार इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। जैसा कि गाइस, आज है संडे और हम जा रहे हैं घूमने। आपको बताता हूँ अभी रास्ते में हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो हमारी फैमिली घूम चुकी है, इधर तीन बंदे वहाँ हैं, एक यहाँ है, एक अभी आने वाला है। तो मिलते हैं ब्लॉग में। हम पहुँच चुके गाइस प्रसाद लेने, क्योंकि हम वहाँ पर जाएंगे मंदिर में, इसलिए हमको चाहिए वहाँ के लिए प्रसाद। माला हमने ले चुकी है, अभी भाई आ रहा है पीछे से। इस बारिश आ चुकी है, हम रुक गए पेट्रोल पंप पे। इसका पता नहीं ये कौन है। हमने निकाल ली यहाँ के लिए मोबाइल, के लिए थैलिया, मेरा मोबाइल भी डाल। अभी रिसेंटली बारिश 2 ही मिनट पहले बस रुकी है। देखो आप पानी देखो यहाँ का। बढ़िया करा हमने हाईवे चूज़ किया, नहीं तो नीचे देखो कितना गंदा पानी भरा हुआ है। यहाँ से तो हमारी खाना ख़त्म हो जाती। ये देखो आप अंडरपास, ये खिरने का फाटक है सामने उधर। तो मौसम देख सकते हैं आप कितना मजेदार है, इंटरेस्टिंग व्यू है। हाँ तो गाइस, आप देख सकते हैं हम नेवटा पहुंच चुके हैं। सामने आपको दिख रहा होगा नजारा, बढ़िया। यहाँ पर देखो कितना कीचड़ है, यहाँ पर गाड़ी चलाने मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा है। सामने देखो आप, वहाँ पर जाना है हमको सामने, वो उधर मंदिर की तरफ। सामने देखो कितनी पब्लिक आई हुई है। अभी उस साइड भी दिखाऊंगा आपको जाके मैं, उधर भी क्या हरियाली है क्या नहीं। पिछली बार हमने यहाँ पर से गाड़ी चढ़ाई थी, वापस रिटर्न आ गई थी, इसलिए अब इस बार वो मौका नहीं दिए कि यहाँ से वापस गाड़ी चढ़ाने के लिए। अभी तो गाइस आपको खूब चीज़ें दिखाना बाकी है, नए 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 सब के सब। और इसको देखो आप, इसको देख सकते हो पिछले व्लॉग में कैसे चक्की पीस रहा था। रास्ते को घूमने आया भाई। अरे इधर से आ जाओ, इधर अच्छा आ रहे हो क्या? हम आए घर से करीब 40 किलोमीटर की। यहाँ पर आज से हम पहले जब बचपन में छोटे थे आया करते थे, तब यहाँ पर कुछ नहीं था। अब जा रहे हैं अब सीधा सामने की ओर। पहले यहाँ पर गए, जिधर से हमारी पहले हम पूरी फैमिली आते थे ना, तब यहाँ से फोर व्हीलर सीधी वहाँ पर खड़ी है भी हमारी बाइक, तो वहाँ से सीधा यहाँ पे से। देखो यहाँ पर ये कहाँ से लाया, लेकिन अच्छा ये तो रास्ता। तो ऐसा है गाइस, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है हमको। उधर की साइड है शायद फागी, फागी डिगी कल्याण जी जाने के लिए रास्ता उधर की साइड, उधर की साइड। तो यहाँ पर हम पहले आया हुआ करते थे। और ये आ गया मंदिर, अभी हम जाएंगे मंदिर में, देखते हैं मंदिर में जाने के बाद थोड़ा सा फिर घूमेंगे फिरेंगे। इस बार हमने यहाँ से गाड़ी चलाई थी, यहाँ से बाइक ऊपर लेके आए थे, हमारे पसीने आ गए थे क्योंकि तब बारिश भी नहीं थी, धूप बहुत ज़्यादा थी। एक मंदिर है यहाँ पर घेरा, अभी इन मंदिर पर भी आएंगे, पहले चलते हैं इधर मंदिर की ओर। क्या पूछ रहे हैं पूछो। क्या पूछना है पूछो। ये पेड़ मेरे जन्म से पहले का है। यहाँ पर पहले बोरिंग था ना, हाँ उधर ही है वो एडपम बोला। चल रहा है बीबी, चल रहा है, लो चलो देखे अब चलता। भैरव जी का मंदिर है गाइस, तो इनके भी हम आपको दर्शन करा देता हूँ। पहली बार जा रहे हैं अपन ऊपर, आज ये बनी है आज। वाह यार, पहली बार आए लेकिन अपन
वाओ फैंटास्टिक अमेजिंग। आज से गाइस यहाँ पर मैं आया था 10 साल पहले, तब हमारी पूरी फैमिली आई थी, मम्मी पापा ताऊ चाचा सब। तो हमारी बस वहाँ पर खड़ी हुई थी, तो वहाँ से बस खड़ी थी तो वहाँ से पैदल पैदल आते थे। पहले ये यहाँ पर ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्मल था, कहना मतलब। और यहाँ पर ये, हाँ ये ज़रूर थी सीधी सड़क, और इधर कभी पानी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। और पिछली बार हम आए थे तब यहाँ पर वो थे मछली पकड़ने वाले होते ना मछुआरे, तो वो भी यहाँ पर थे। पिछली बार यहाँ पर वोट भी थी, अब की बार वोट तो है नहीं, ऐसा मछलियाँ पकड़ रहे थे। हमने भी पहली बार ही देखा था ऐसा। हाँ गाइस जोर जोर के सामने तो पहले यहाँ पर खूब नाव थी, इधर तो मछुआरे इधर मछली पकड़ने जरूर आते थे। अपन को बिठा लेना अंकल, तो मजा आ जाए। हाँ बिठा दो मेरे को, 10 रुपए क्या 20 रुपए दे देंगे आप। हेलो अंकल, वो तो इसने कैसे बैठाएगा, पहले सो रहा आज भी, मगर मजा आ गया दिखता। पानी डालो अंकल, बेहोश हो गया। अल्लाह इसको पता ही नहीं सुबह हो गई। ओ ना चली। और दूर गई दूर गई दूर गई। अरे गई गई। नहीं जा रहा। जो पापी नहीं हो जाए। निकलते अब घर की और बहुत मजे कर लिए, बहुत मस्ती कर ली, खाना पीना सब हो गया। हमको एक अंकल भी मिले थे नाव के लिए, आपको दिखाया था मैंने वीडियो में। अगर वो अंकल आपको अगर खुश हो जाते अगर किराए के लिए वो, बट वो माने नहीं, उन्होंने बताए थे पर पर्सन के 50 रुपीज़। तो लेकिन हमको बहुत ज़्यादा लगे, हम थे तो फाइव जने थे, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। तो फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हमने बोला अंकल ठीक है रहने दो चलो, क्योंकि महंगा बजट था और हमको डर भी लग रखा था नाव के लिए, तो इसलिए हमने मना कर दिया। तो चलते अब घर के लिए, मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।